नानक देव जी ने सभी को एक समान ट्रीट करने का, यानी सबको एक समान रखने की सबसे बड़ी सीख इस विश्व को दी। जी हाँ, ना जात पात, ना अमीर गरीब, सब एक समान है, और ये गुरु नानक देव जी की सबसे बड़ी सीख थी इस विश्व को। और शायद यही वजह है कि आज भी लोग एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं। जब आप यहाँ पर आते हैं तो लोगों के बीच में बस प्रेम ही प्रेम नजर आता है, कुछ ऐसा ही प्रेम अब शायद ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी नजर आएगा। मेडिकल डायरेक्टर ऑफ बिरला हॉस्पिटल डॉक्टर अभिमन्यु बिरला। महिमा की महिमा अपरंपार है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब वो क्या है ना, अक्षरा और अभिमन्यु ने अपने रिश्ते को एक और मौका दिया है। दोबारा शादी के बाद तो इनकी जिंदगी में ही खुशियां बरकरार है, और लीजिए ही खुशी का एक मौका और आ गया ही, क्योंकि बिरला हॉस्पिटल का अब MD अनाउंसमेंट कर दिया गया है अभिमन्यु को। मेडिकल डायरेक्टर ऑफ बिरला हॉस्पिटल डॉक्टर अभिमन्यु बिरला। ये खबर सुनते ही अक्षरा तो जैसे झूम उठी, वहीं अभिमन्यु भी खुश है। अभिमन्यु का पूरा परिवार इस मौके का न जाने कब से इंतजार कर रहा था। लेकिन ये क्या, महिमा जी को क्या हुआ, उनका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब महिमा जी आप ही बता दीजिए कि आखिर बात क्या है। शी के नॉट हैंडल कि आज भी एक औरत को अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी अपनी काबिलियत प्रूव करने के लिए एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। महिमा को अभिमन्यु की कैपेबिलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शी इज बीन साइडलाइंड, उस चीज से उसको प्रॉब्लम है। अच्छा, तो ये बात है। देखिए, जैसा आप सोच रही है ना, वैसा तो बिल्कुल नहीं है। माना कि आपको अभिमन्यु से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम हम समझते हैं, आपकी प्रॉब्लम अक्षरा है। तो भी अक्षरा से रिलेटेड जिसके लिए भी अच्छी खुशखबरी होगी ना, आपको वो पसंद आएगी ही नहीं। फिर अपने मन में आप ये दुविधा मत रखिए कि एक फीमेल को हमेशा जज किया जाता है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।